हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिसमें बताया था कि अल्फाबेट क्या होते हैं, वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनके क्या यूजेज हैं। गाइस, इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी भी लेटर, वर्ण या अक्षर को किस तरह से कंप्लीट या उसे पूर्ण बनाया जाता है। क्योंकि एक ही लेटर अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमारा कंप्लीट या पूर्ण वर्ण नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल, आपको मैं लिखना है और आप मैं के लिए मान लो एम यूज करते हैं, तो इस एम से आपका ये कंप्लीट मैं नहीं बनेगा, बल्कि आपका ये आधा मैं रहेगा। कंप्लीट मैं यानी ये इस तरह से आपका कंप्लीट मैं बने, तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए देर आर मैनी रूल्स, और वो रूल्स आज हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है किसी भी लेटर को या वर्ण या अक्षर को कंप्लीट बनाया जाता है। और इसके लिए हम जो है आज इन रूल्स को गौर से सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल जो हमारा इस बारे में बताता है, रूल फर्स्ट हमसे कहता है, वी पुट ए आफ्टर द लेटर टू मेक कंप्लीट द लेटर, वर्ण और अक्षर। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण या अक्षर या लेटर को पूर्ण बनाने के लिए हमें उस लेटर के बाद में ए का यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं राम, आपको राम लिखना है, रे के लिए आप आर लेंगे, आर को कंप्लीट करने के लिए ए का यूज करेंगे। इसके बाद मैं के लिए आपने एम यूज किया। इसी तरह पवन, पी को कंप्लीट करने के लिए ए यूज किया, डब्ल्यू को कंप्लीट करने के लिए हमने ए का यूज किया, और लास्ट में हमारा एन। रतन, आर कंप्लीट करने के लिए ए यूज किया, टी को कंप्लीट करने के लिए ए यूज किया, एंड एन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर, आपने तीन नाम सामने लिखे हैं, इनमें आपने यहां तो बताया कि आर को कंप्लीट ए से किया, पी डब्ल्यू को ए से किया, आर और टी को भी ए से किया, लेकिन लास्ट का कॉन्सोनेंट जो है यहां आपने ए नहीं लगाया, तो क्या ये वर्ण अधूरा या आधा रहेगा, क्या यहां भी आधा रहेगा, क्या है? तो गाइस, इसका आंसर हमें नेक्स्ट रूल देगा। और नेक्स्ट रूल हमसे कहता है, व्हेन देयर इज ए वाउल बिफोर लास्ट कंसोनेंट, देन वी डू नॉट पुट ए आफ्टर द लास्ट कंसोनेंट। ये रूल हमें बताता है कि जब किसी भी वर्ड में लास्ट कंसोनेंट से पहले ए बैठा हुआ है, ए वहां पर लगाया हुआ है, तो उस लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले जो वाउल है या रखा हुआ है, वो चाहे वो कोई सा भी वाउल हो, तो फिर लास्ट कॉन्सोनेंट के बाद में ए का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं राजेंद्र, आर ए जे ई एन डी ई आर, यहां आप देखेंगे आर से पहले हमारा ई वाउल बैठा हुआ है, तो हम यहां आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ई वाउल इस बी को भी कंप्लीट करेगा और इस आर को भी कंप्लीट करेगा, यानी दोनों वर्ण या अक्षर जो हैं इसी ई से हमारे कंप्लीट होंगे। इसी तरह आप देखेंगे अरुण, ए आर यू एन, एन से पहले हमारा वाउल यू बैठा हुआ है, तो यू इस आर को भी कंप्लीट करेगा और इस एन को भी कंप्लीट करेगा, इसलिए हम यहां ए नहीं लगाएंगे। कमल, के को ए ने पूरा किया, एम को इस ए ने पूरा किया, एल के बाद हमने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि एल से पहले हमारा ए वाउल बैठा हुआ है जो इन दोनों को कंप्लीट कर रहा है। ठीक यही रूल यहां पर हमारा अप्लाई हुआ कि हमने यहां एम के बाद ए नहीं लगाया, एन के बाद नहीं लगाया और यहां भी नहीं लगाया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो है ए का यूज इन दोनों रूल में हुआ है। नेक्स्ट रूल हमें बताता है, व्हेन
there is not any vowel before last two or more consonants, then we put A after the last consonant. Students, ये rule हमको बताता है कि जब कोई vowel last के दो या दो से अधिक consonant के बीच में नहीं बैठा हुआ है, कोई भी vowel नहीं है वहां पर, तो फिर हम जो लास्ट का कंसोनेंट है उसके बाद में ए का यूज करते हैं. तो वो ए जो है उससे पहले जो कंसोनेंट है उनको कंप्लीट या पूर्ण बनाता है. और इसका फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं राजेंद्र, आर ए, आर को ए ने कंप्लीट किया, जे को इस वाल ने किया, एन डी आर, यहां आप देखेंगे तीनों कंसोनेंट के बीच में कोई वॉवल नहीं है, तो इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमने यहां ए का यूज किया है. तो ये ए जो है बी को भी कंप्लीट करेगा और आर को भी कंप्लीट करेगा. एन इसलिए कंप्लीट नहीं होगा कि एन जो है ऑलरेडी आधा ही राजेंद्र में यूज होता है, तो ये यहां रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ बी और आर को कंप्लीट करेगा. इसी तरह महेंद्र में भी सेम रूल है कि यहां तीनों कंसोनेंट के बीच में कोई वॉवल नहीं है, तो यहां लास्ट कंसोनेंट के बाद में हमने ए का यूज किया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल आल्सो. नेक्स्ट रूल हमें बताता है व्हेन ए वर्ड इज मेड ऑफ मोर देन टू सिलेबल देन वी डू नॉट पुट ए आफ्टर एवरी सिलेबल कंसोनेंट सच एज रामपाल और जबलपुर और मैनी अदर नेम्स लाइक राधेश्याम एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये रूल हमें बताता है कि जब कोई वर्ड एक से अधिक सिलेबल का बना हुआ है, चाहे वो दो का हो, तीन का हो, चार का हो, तो ये रूल हमें ये कहता है कि हर सिलेबल के लास्ट कंसोनेंट के बाद में ए का यूज नहीं किया जाता है. सिलेबल मीन्स खंड, भाग, हिस्सा, अंश, यानी वो वर्ड कितने खंड का बना हुआ है, कितने हिस्सों में बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रामपाल, टू सिलेबल्स हैं, राम वन सिलेबल, पाल अदर सिलेबल. जबलपुर, राधेश्याम, लाइक दिस, ये ऐसे वर्ड या नाम हैं जो एक सिलेबल या एक खंड में नहीं है बल्कि कई खंडों में है. तो ये रूल हमको ये ही बताता है कि ऐसे वर्ड्स के लिए हम हर सिलेबल का लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद में ए नहीं रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राम, एम लास्ट कॉन्सोनेंट है इस सिलेबल का, हमने ए यहां नहीं रखा है. पाल, एल लास्ट कॉन्सोनेंट है, यहां भी हमने ए नहीं रखा है. इसी तरह जबलपुर, एल लास्ट कॉन्सोनेंट है इस सिलेबल का, ए का यूज नहीं हुआ है और यहां आर के बाद भी ए का यूज नहीं हुआ है. इज इट क्लियर? लास्ट रूल हमें बताता है व्हेन वी पुट एनी वाउल आफ्टर लास्ट कंसोनेंट फॉर मात्रा देन वी डू नॉट पुट ए आफ्टर दैट वाउल. यानी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट कॉन्सोनेंट के बाद में आप कोई भी वॉवल, चाहे वो आई हो, ए हो, यू हो, ई हो, कुछ भी हो, उसे आप मात्रा के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उस वॉवल के बाद में, चाहे वो लास्ट में रखा हुआ है, ए का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो वॉवल आपकी मात्रा का काम भी करेगा और इसके अलावा वो उससे पहले जो कॉन्सोनेंट है उसे कंप्लीट भी बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रानी, आर ए एन आई, एन हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है, आई हमने यह वाउल यूज किया है, किस लिए किया है, मात्रा के लिए, बड़ी की मात्रा रानी. तो ये आई जो है हमारा एन को कंप्लीट भी कर रहा है और बड़ी ई की मात्रा का काम भी कर रहा है. भानु, लास्ट कंसोनेंट एन है, एन के बाद में यू वाउल हमने यूज किया, तो ये यू इस एन को भी कंप्लीट कर रहा है और छोटे ऊ की मात्रा भी लगा रहा है. तो इस तरह से ये वाउल हमें ये बताता है कि
आपको मेरे बाद में ए का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको भी कंप्लीट कर रहा हूं और मात्रा को भी बना रहा हूं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, दीज आर आर हाई रूल्स टू मेक लेटर कंप्लीट और वर्ण या अक्षर को पूर्ण बनाने के ये 5 रूल्स हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, और शायद इससे पहले ये जानकारी आपको स्कूल या कॉलेजों में नहीं बताई गई होगी, क्योंकि मोस्टली ऐसी चीजें आपको स्कूल कॉलेजों में नहीं बताई जाती है। बट दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आप इन रूल्स को थोड़ा माइंड में सेट करें, जिससे आप किसी भी वर्ड मेकिंग में कहीं भी कोई गलती ना करें। अब हम नेक्स्ट जो चीज देखेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर किस तरह से हम मात्राओं को लगाएं, कौन से वॉवल जो है कौन सी मात्रा के लिए यूज होंगे। हालांकि मैंने पिछले मेरे वीडियो में आपको बताया था कि वॉवल से कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं, तो इसको हम जो है, मैं आपको एक पैटर्न लिख कर दे देता हूं। शायद आपने अपने पेरेंट्स से कहते हुए सुना होगा कि हमारे जमाने में हम लकड़ी की पट्टी स्कूल लेकर जाते थे और उस पर मुल्तानी पोत दी जाती थी दादी के द्वारा या मम्मी के द्वारा, और जो है हम उस पर लकड़ी की कलम से बारखड़ी लिखते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो बारखड़ी उस जमाने में लिखी जाती थी, इस बारखड़ी का मेन पर्पज मात्राओं को सिखाना होता था। आपने सुना होगा के का की कू के कई को कऊ कम के, तो इस तरह से ये बारखड़ी हुआ करती थी। तो ये बारखड़ी का एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, ये आपको जो है कंप्लीटली मात्राओं का पैटर्न जो है आपको समझाएंगे कि कौन सी मात्रा किस तरह से लगाई जाती है। सो वी स्टार्ट के ए मींस के, यहां जो है ए की मात्रा लगी है, क्योंकि अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो ये आपका आधा कह रहेगा। अब इसमें ए की मात्रा इस तरह से लगेगी तो फिर ये जो है पूर्ण या कंप्लीट हमारा कै बनेगा। आ की मात्रा के लिए के ए, यानी ये का हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ए से ए की मात्रा भी लगती है और आ की मात्रा भी। नेक्स्ट हमारा के आई, यानी आई जो है यहां छोटी ई की मात्रा को लगाएगी। नेक्स्ट के आई ऑब्लिक के डबल ई, रिमेंबर आई से छोटी ई की मात्रा भी लगती है और बड़ी ई की मात्रा भी लगती है। इसी तरह डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, फॉर एग्जाम्पल दीपक, डी डबल ई पी ए के, सो बड़ी की के यू को, यानी यू हमारा यहां छोटे ओ की मात्रा लगा रहा है। बड़ा कू के ओ और के डबल ओ दोनों से ही बड़े ओ की मात्रा लगती है। के ई, इससे आपकी ए की मात्रा लगती है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ई से जो है ए की मात्रा लगती है। आई यानी कई, तो के ए आई, इस तरह से के ए आई से, यानी ए आई से आपकी आई की मात्रा बनी और ये हो जाएगा हमारा कई। ओ की मात्रा के ओ, ये आपका को हो गया। नेक्स्ट काउ, औ की मात्रा के ए यू, इसे हम बोलेंगे काउ। स्टूडेंट ध्यान रखें, हमारे देश में बहुत से लोग जो है औ की मात्रा के लिए ओ यू का भी यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली दैट इज नॉट राइट। आप जो है ए यू का यूज करें, यो चलन में आ रहा है, ठीक है, लोग कर रहे हैं उसका यूज, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें ए यू का ही यूज करना है। कम, ये कह, इसके ऊपर ये जो डॉट लगती है, इसके लिए के ए एम।
और लास्ट में है तो ये और ये दो हरण इसके लिए कि एच इस तरह से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये वो पैटर्न है जो आपको मात्राओं का ज्ञान देता है, मात्राओं की नॉलेज देता है कि किस तरह से हम जो है मात्राओं को लगाएं, कौन सा वॉवल कौन सी मात्रा के लिए यूज करें। तो ये आज के हमारे वीडियो में जो है कंप्लीट नॉलेज थी, छोटी नॉलेज है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिससे कि आप इन फ्यूचर कोई गलती मात्राओं को लगाने में या वर्ण को पूर्ण या कंप्लीट बनाने में ना करें। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी ऐसी नॉलेज दूंगा कि शायद आप में से 90% लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको वो नॉलेज ना तो स्कूल स्टेज पर दी गई, ना कॉलेज आदि में दी गई, ना आपको किसी अन्य व्यक्ति ने बताया, और जबकि उसको हम रात दिन यूज करते हैं उन चीजों को, लेकिन कई उसमें जो है हम उनको गलत यूज कर रहे हैं। तो आप वो गलती ना करें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को देखेंगे। इसलिए गाइस यहीं जो है इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हर वीडियो की जानकारी और मेरा कंप्लीट कोर्स आप तक पहुंचता रहे। और आप जब भी मेरा वीडियो देखें उसे प्लीज कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आप पूर्ण रूप से इस कोर्स को सीख पाएंगे, इसकी नॉलेज ले पाएंगे। सो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।